नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सवाल है क्वेश्चन सेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम आपने को प्रेशर दिया हुआ है वन इंटू टू पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रेस्पेक्टिवली वन ट्वेंटी सेवन एंड जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू ट्वेंटी पॉर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द आर एम एस वेलॉसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होगी अपने को चार ऑप्शन दे रखें ऑप्शन है हंड्रेड रूट टू बाय थ्री हंड्रेड बाय थ्री हंड्रेड रूट टू या फोर हंड्रेड बाय थ्री नो सिंपल सवाल है इसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मुला यूज हो, यूज़ होएगा हमें पता है कि आर एम एस जो होती है Uh, उस आर एम एस वेलोसिटी को लिखते हैं हम अंडर रूट थ्री के टी बाय एम यह आपकी आर एम एस वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पे अगर आपको दो वेलोसिटी कंपेयर करनी है uh, यानी कि हमें लिखा हुआ है वी ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई वी वन ट्वेंटी सेवन यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये हमें आर एम एस में लेना पड़ेगा और यहाँ पे m और k आपका कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट वो हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 27 और इसको हम आप uh, कैलवेट में कन्वर्ट करेंगे सो so ये होएगा 27 सेवन प्लस टू सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी सेवन प्लस टू सेवेंटी थ्री तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ फोर हंड्रेड राइट और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट थ्री बाय फोर नाउ इस केस में हमें uh, जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि पहले उसकी वैल्यू है 200 मीटर पर सेकेंड ठीक है हमें यहाँ पे v27 जो है ये दे रखा है ये आपके 200 मीटर पर सेकेंड है और हमें बताना है v127 कितना होएगा तो v127 को हम लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू वी ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ़ फोर बाय थ्री ना इसकी वैल्यू हो जाएगी ये हो गया 200 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ये फोर का अंडर वो टू हो जाएगा डिवाइड बाय थ्री तो अपना डिज़ायर्ड आंसर जो बी ट्वेंटी सेवन वो आ गया फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई रूट थ्री ये आपका आंसर हो जाएगा ना यहाँ जो मैं प्रेशर का डेटा दे रखा है उस डेटा की यहाँ पे अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी वो डेटा यहाँ पर यूज़फुल नहीं होएगा बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी फोर हंड्रेड बाय रूट थ्री वुड बी द राइट आंसर